मथुरा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी में दो लड़कों की फिर जोड़ी। सीएम ने कहा दो लड़कों की जोड़ी फिर आई है। सीएम योगी ने कहा दंगों के समय यह जोड़ी तमाशा देख रही थी, एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था, ये लोग विकास को रोकने वाले हैं। बजट में गरीब के लिए घर की व्यवस्था, बजट में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, हम मेरठ में खेल विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, यूपी में फिल्म सिटी भी बन रहा है। गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के व्यक्ति के घर में चूल्हा बंद न होने पाए, डबल इंजन की सरकार ने राशन की डबल डोज भी उपलब्ध कराने का काम किया है। भी सरकारें दे सकती थी, एक गरीब का राशन दे सकती थी, कहां जाता था पैसा, इत्र वाले मित्र के घर में। पहले चुनाव में इन्होंने दो लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी, बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था, जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके दो लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। ये दो लड़कों की जोड़ी वही है, एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। गायों के सामने दुबदम दुम दबाने वाली सरकार नहीं, ये सपा बसपा के लोग तो दुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे, साथ ही आम बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास की घोषणा हुई है, जो आगे चलकर गरीबों को पक्का मकान दिलाएगी। एमएसपी से किसानों को लाभ होगा, इस बजट से घर घर पानी पहुंचेगा और गरीब खुशहाल होगा। जनता एक बार फिर बंपर बहुमत के साथ योगी सरकार बनाने जा रही है। केंद्र सरकार के पेश हुए बजट को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने महिलाओं और व्यापार से जुड़े लोगों से बात की, जाना कि बजट से कितनी उम्मीदें पूरी हुई। देखिए खास रिपोर्ट। महिलाएं भी कुछ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप घर संभालती हैं, क्योंकि महंगाई की एक बड़ी समस्या है, सरसों का तेल महंगा है, प्याज टमाटर के दाम है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, दालों के दाम बढ़े हुए हैं, कैसे लगता है, कितनी उम्मीदें थी और अभी कितना खरा उतरा बजट? देखिए उसमें कोई परिवर्तन खैर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे पास महिला पुरुष की नहीं है, क्योंकि व्यापारी वर्ग है या जो भी हम लोग यहाँ से कमाते हैं, अगर उसमें ही हमें रिलैक्स नहीं होगा और चीज़ें महंगी होंगी तो घर पे तो अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उद्यमी हम लोग भी अपनी जगह पे बाहर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर सिलेंडर भी महंगा, सब चीज़ें महंगी ठीक है, लेकिन GST और रिटर्न के ऊपर ही जब कोई चीज़ें परिवर्तन नहीं की गई हैं तो फिर वो तो अंडरस्टूड है कि वहाँ तो आना ही आना है, वहाँ सब चीज़ें आनी ही है। तो जब कोई परिवर्तन ना, हमें होम लोन एजुकेशन लोन के ऊपर कोई भी परिवर्तन किया गया, उस पर कोई परसेंट कम नहीं किया गया, GST जो है वो कोचिंग सेंटर्स पे जो बच्चों की फीस, आदमी बड़ी बड़ी फीस अट करता है तो उसके ऊपर भी कोई नई चीज़ें, और ईजी स्टार्टअप्स के लिए लेडीज़ के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो भी एक निम्न वर्ग के लिए अंदर अगर आप आते हो तो आपको कुछ परसेंट अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप उसमें भी एक बंटवारा कर रखा है, तो आपने फिर महिला सशक्तिकरण में भी आपने क्या किया? महिलाओं के लेकर लगातार सरकार बात करती थी, जो बजट से बहुत उम्मीदें लगा रखी गई थी, क्या कितना कुछ खरा उतरा बजट उम्मीदों पे आपकी? खरा तो नहीं उतरा है बजट, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत तो कुछ किया है सरकार ने, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, हम लोगों की उम्मीदों में तो बिल्कुल नहीं किया है, ना तो कोई GST में उन्होंने छूट दी है हम लोगों को, ना इनकम टैक्स में छूट मिली है, पेट्रोल और सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ते रहने से हर चीज़ इफेक्ट करता है हमारा,
सब कुछ इफेक्ट करता है उससे। अगर वो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते कि थोड़ी कीमतें गिराते तो हमारा हो सकता है उससे GST खाने पीने की चीज़ों में लागत कम होती और हम लोगों को उस पर थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। सरकार का आम बजट पेश हुआ है, तमाम सारे व्यापारियों के साथ मौजूद से बात करेंगे। सर क्या कुछ रहा इस बजट में? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज पूरा बजट देखा। इस बजट से बहुत निराशा हुई। बजट में व्यापारियों के लिए, उद्योगियों के लिए और आम जनता के लिए कुछ था ही नहीं। वित्त मंत्री ने केवल कोला कोला भाषण एक तरीके से पढ़ा और MSME सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की बात कही गई, लेकिन कैसे उसका बंटवारा होगा, कैसे उसको दिया जाएगा, इसकी भी कहीं कोई बात नहीं कही गई। हम लोग ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी की बात सोच रहे थे और दूसरी चीज़ों को सोच रहे थे, कुछ भी आज नहीं हुआ। ना GST में कहीं कुछ चेंजेस है, ना कहीं कुछ है। आज का बजट बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण रहा। सर आप कैसे देखते हैं, आप तो जानकार हैं। देखिए बजट जब भी आता है तो आदमी दो चीज़ों पे मेन ध्यान देता है जो आम जनता होती है, एक होता है इनकम टैक्स और होता है GST। GST को लेकर के बजट का कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि साल भर इतने चेंजेस करती रहती है सरकार कि बजट का इंतजार नहीं रहता है। रही बात इनकम टैक्स की, तो हमेशा की तरह आम जनता को कुछ नहीं मिला। जो चीज़ें थी एज इट, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया एक्सेप्ट GST में। उन्होंने ये बताया कि सिंस इंसेप्शन जनवरी 2022 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है GST का, तो इसका मतलब है कि जनता पिस रही है और इन्होंने जनता को पिसने के लिए और छोड़ दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है बजट में जिससे हम ये कह सकें कि हाँ कुछ तो रिलीफ मिली है आम जनता को, कुछ भी नहीं है। 2 सालों से कोरोना की वजह से जो रोजगार है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, तो उम्मीद की जा रही थी शायद कुछ ऐसा होगा बजट में जिससे थोड़ा सा रोजगार को कुछ लाभ होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? बजट, हम मोहम्मद आदिल आदर्श व्यापार मंडल से, आज हम लोगों ने पूरा बजट देखा और जिस हिसाब से सोचा था कि व्यापारियों के हित में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इस बजट को एकदम व्यापारियों की तरफ से देखिए फेल है, क्योंकि जो हम लोग उम्मीद किए बैठे थे कि देख रहे हैं कि शायद कुछ व्यापारियों को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्लैब वो बता रहे हैं वो स्लैब तो जो पिछले सालों से चल रहा है वही कंटिन्यू उसको करके रखे हुए, इसलिए हम लोग उससे कोई बहुत लाभ नहीं मिला है आज के बजट से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? इनकम टैक्स की स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि इसमें बताया गया कि GST के कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार, तो इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को कहीं से मतलब निचोड़ा ही जा रहा है, व्यापारियों को कहीं किसी तरीके से कोई राहत नहीं मिली है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए इस बार इन्होंने जो क्रेडिट है गारंटी स्कीम उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया है और 4.5 लाख करोड़ का पिछली बार था, अब उसको 5 लाख करोड़ किया है, लेकिन वो डिसबर्समेंट बैंक लोन नहीं कर रही है क्योंकि उसमें इंटरनल तौर पे मैनेजर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अगर लोन NPA होता है तो उसमें जो है सरकार उसकी गारंटी नहीं ले रही। अगर वो डिसबर्स हो जाए पेमेंट तो निश्चित तौर पे मार्केट में फंड आएगा, तो उससे ग्रोथ करेगा मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये बजट से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा? नहीं, बजट तो नॉर्मल है, उसमें कोई भी फायदे वाली बात नहीं बताई गई है। और जो बेसिक रिफॉर्म्स इनको करने थे वेयर हाउसिंग वगैरह में, उसमें भी इन्होंने नहीं किया। हम लोगों की ये डिमांड थी कि सब जो है नाबार्ड जो सब्सिडी दे रहा है उसमें MSME सेक्टर को भी जोड़ा जाए, जिससे जो शहर हैं जिसमें वेयर हाउसेस बन रहे हैं वहाँ पर जो ऑनलाइन कंपनीज हैं जो ले रही हैं उनको भी जो है उस पर सब्सिडी हम लोगों को मिल सके, लेकिन वो भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो ज़ाहिर अलग अलग वर्ग के लोग थे, साफ तौर पर जो इस तरह इंतज़ार था कि जो बजट में बहुत कुछ उम्मीदें थी, हालांकि आप लोगों की अगर बातों की बात करें जो बजट में सोचा था वैसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ भी निकल कर नहीं आया। रवि कुमार, इंडियन एंकर। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जमील अहमद ने। देखिए रिपोर्ट वाराणसी से। बजट सत्र में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने बजट पेश किया। हम इसमें मौजूद हैं बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि शिक्षा को लेकर क्या उम्मीद थी और जिस तरीके से लगातार शिक्षा को लेकर या कोरोना काल की बात की जाए तो शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है, इसको लेकर तमाम योजनाएं लाई गई है ताकि शिक्षा में सुधार हो, लोगों को रोजगार भी मिले। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है वहाँ के छात्र हमारे साथ मौजूद है। भैया सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है, मैं यहाँ का शोध छात्र हूँ हिंदी विभाग से। अनिल जी ये बताइए कि आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उन्होंने कहा है कि 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उनका ये प्लानिंग है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए अगर बजट की बात किया जाए तो बजट जो है वो पिछली बार भी रोजगार को लेकर के ऐसा ही कहा गया था कि 2 करोड़ की रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अमल हुआ नहीं। अब ये दौर जो है वो
महामारी का दौर है, उसमें उन्होंने जो 60 लाख का रोजगार की जो बात की है उसमें बहुत उनको बहुत अमल लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही में जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है बेरोजगारों की, उसमें जो छात्रों के बीच प्रतियोगी छात्रों के बीच में जो असंतोष बढ़ा है उसको भी पहले उन समाधान को भी उनको ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके साथ ये चिकित्सा और स्वास्थ्य और ये शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इनको है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, शोधार्थी हैं, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही है, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, डिजिटल के क्षेत्र में तो अभी मैं नहीं, मेरे विचार से अभी उतना खरा नहीं हो पाया है, क्योंकि हालांकि उन्होंने अच्छा ये संकेत दिया है कि डिजिटल जो केंद्र हैं उनको 12 से संख्या से वो 200 कर रहे हैं, क्योंकि महामारी के दौर में लगातार कोई ना कोई अलग अलग वायरस की चपेट में आता जा रहा है ये सेशन, तो उसको भी ध्यान में रख करके उन्होंने जो बजट में दिखाया है कि वो डिजिटल की ओर ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। तो उस संकेत के साथ ये भी है कि जो हायर एजुकेशन में जो कमियां हैं, जो रोजगार को भी लेकर के है, जो शैक्षणिक अध्ययन अध्यापन की जो कमियां हैं उस पर भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम विक्रांत सिंह है। विक्रांत जी, ये बताइए कि लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपये शिक्षा को लेकर बजट उन्होंने पेश किया है, और लगभग ये अगर GDP की बात की जाए तो लगभग 3.5%, तो ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि एजुकेशन के बारे में वो सोचती है लगातार, पढ़ाई और लिखाई, हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको क्या लगता है किस तरीके की ये कर पाई है? शिक्षा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ये सरकार फेल हो रही है, इसमें कोई दोरा नहीं है, अगर चाहे तो इसमें सुधार कर सकती है ये भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता खेत पर पहुंचे, जहां कुछ किसानों और किसान नेताओं से बातचीत की। किसानों को किसान नेताओं का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अभी अभी जो बजट पेश किया गया है, हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उन्हीं को लेकर तमाम सारी चीजों को समझने के लिए मैं खेत पर किसानों के बीच पहुंचा हूं। यहां मेरे साथ कुछ किसान हैं और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो समय समय पर किसानों की तमाम सारी चीजों को लेकर सरकार को जगाते रहते हैं, और सरकार में तमाम सारी चीजों की हो रही गड़बड़ियों को लेकर वो आंदोलन भी करते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से मैं बात करता हूं। आप मुझे बताइए कि अभी पूरा हिंदुस्तान निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि अब जो खेती है वो तकनीकी तौर से होगी, हालांकि तकनीकी तरह से तो खेती एक काफ़ी समय से हो रही है, और युवाओं को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नहीं, इन्होंने कहा कि MSP पर बम्बर खरीद करेंगे, ऑर्गेनिक खेती कराएंगे, तो हम सर जो किसान लगातार कम से कम 70 साल से लगातार मांग कर रहा है कि MSP पर कानून दे दो, कानून बनाओगे तभी उसका उसे लाभ मिल पाएगा, उसकी फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा। हमने पिछले साल भी अपने रामपुर का 11,500 बिचौलियों ने फर्जी तरीके से धान तुलवाए गए, अब भी अभी हमने आंकड़े निकाले हैं चकबंदी गांव में फर्जी खतौनी बनाकर और दर्शाकर अब भी कम से कम 15,000 किसानों के नाम पर बिचौलियों ने धान तुलवाया है, तो कहाँ बम्पर खरीद होगी, कहाँ किसान को उसका लाभ मिलेगा, हमें तो ये सरकार बता दे। जो किसान मांग रहा है उसे दो ना, आप किसान को जरूरत है, हमें पता ना, हम खेती कर रहे हैं, हमें पता ना हमारा खेत क्या मांग रहा है, किस टाइम खाद मांग रहा है, किस टाइम इसे बीज पड़ेगा, किस टाइम इस पर डाया पड़ेगा, हमें मालूम है ना, आपको बैठे हुए मालूम नहीं है, आप जो लग्जरी गाड़ियों में बैठे पड़े हो, हाउस में बैठे पड़े हो, आपको क्या पता कि जमीन स्थल पर क्या चीज़ है? आपको पता है अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो बातें पार्लियामेंट में कही हैं, जो बिल पेश किया है, किसानों के दिल में क्या था हमने आपको सुनाया, आगे बढ़ते हैं। दिनेश मोहनिया ने आज डोर टू डोर अभियान की कमान संभाली। आप पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया, बासपुर के बाद चंपावत पहुंचे प्रभारी दिनेश मोहनिया। दिनेश मोहनिया लगातार प्रचार अभियान में जुटे हैं। दिनेश मोहनिया ने समीक्षा बैठक भी की, चंपावत प्रत्याशी मदन मेहर के लिए किया प्रचार, दुकानदारों और व्यापारियों से भी मुलाकात की। आप पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया, कहा डोर टू डोर के जरिए हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य है, आप जबरदस्त रणनीति के साथ कर रही है प्रचार। अब की गंध हटाएंगे,
आप नेता राम निवास गोयल ने किया चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं राम निवास गोयल, रायपुर और विकास नगर विधानसभा में किया प्रचार, विकास नगर में डोर टू डोर किया प्रचार, रायपुर में भी डोर टू डोर किया जनसंपर्क। जनता में अंडर करंट देखने को मिल रहा है, लोगों को बदलाव चाहिए था, आप बदलाव करेगी, दुकानदारों व्यापारियों से मांगा वोट। टिक्कू ने गोपाल राय के दौरे की दी जानकारी। हल्द्वानी से आप प्रत्याशी हैं स्मिथ टिक्कू, 4 दिन के दौरे पर गोपाल राय जाएंगे कुमायूं। 2 फरवरी को गोपाल राय हल्द्वानी में करेंगे प्रचार, नैनीताल में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 3 फरवरी को गोपाल राय चंपावत खटीमा में करेंगे प्रचार, 4 फरवरी को गोपाल राय किच्छा और बासपुर में करेंगे प्रचार, 5 फरवरी को गोपाल राय गदरपुर और जसपुर में करेंगे जनसंवाद। आपका शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, हम उत्तराखंड नव निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष